आज सेशन कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है, जिसमें गैर कानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड करने वाली महिला डॉक्टर की सजा को बरकरार रखा गया है। बता दें कि वर्ष 2014 में भद्रगढ़ के पुराना बस स्टैंड नजफगढ़ रोड पर डॉक्टर मीना तनेजा मैटरनिटी हॉस्पिटल की संचालिका पर सीएमओ रमेश धनखड़ की टीम ने वर्ष 2014 में छापेमारी कर हॉस्पिटल के खिलाफ ऐसे सबूत जुटाए थे कि जिससे हॉस्पिटल PCPNDT एक्ट के नियमों की उल्लंघना का मामला पाया गया। मामले की जांच कर रहे पैनल के वकील संजय शर्मा ने बताया कि डॉक्टर मीना तनेजा, जो कि अपने हॉस्पिटल में महिलाओं का गैरकानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड कराती थी, उन्होंने बताया कि निचली अदालत में आरोपी डॉक्टर मीना तनेजा को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते अपना बचाव करने के लिए मीना तनेजा ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की, तो सेशन कोर्ट ने उनकी अपील को नामंजूर करते हुए निचली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कि डॉक्टर मीना तनेजा भादुरगढ़ में अपना एक मैटरनिटी अस्पताल चलाती है और वो PCPNDT एक्ट अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है ये कि वो अपना गैर कानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड करती है। तो वो डॉक्टर रमेश धनखड़ जी ने अपनी पूरी टीम के साथ उस पर रेड की और रेड करने के बाद वो चीज़ पाई गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। वो मुकदमा लोअर कोर्ट में चला भादुरगढ़ में प्रदीप चौधरी जी की कोर्ट में, और उन्होंने पाया तथ्यों के आधार पर कि मीना तनेजा ने PCPNDT एक्ट की उल्लंघना की है और उनको दोषी करार दिया और उनको 3 साल की सजा दी। उस सजा के खिलाफ मीना तनेजा ने सेशन कोर्ट में अपील की, जो अपील माननीय लालचंद जी की कोर्ट में चली। वो लालचंद जी ने भी यह पाया कि भाई इसने PCPNDT एक्ट की उल्लंघना की है और उनकी सजा को बरकरार रखा, और अब उसको सजा हुई है तो जेल भी हुई, उसको जेल भेज दिया गया। तो कुल कितने साल की सजा हुई? 3 साल की सजा हुई है। अब वो आगे हाई कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं वो उनके ऊपर है। तो आपका क्या मानना है कि जो सेशन कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया, क्या उससे आगे भी आगे आने वाले लोगों को भी कुछ सीख मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। गैर कानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड करना PCPNDT एक्ट आज के टाइम में काफ़ी निष्क्रिय हो चुका है और स्टिक हो चुका है। सभी कोर्ट्स इसको लेके काफ़ी स्टिक हैं कि भाई PCPNDT एक्ट की उल्लंघना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो एक प्रोसीजर है, हर डॉक्टर को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता है तो उसको सजा का प्रावधान। वहीं PCPNDT के नोडल अधिकारी सुरेश खत्री एडवोकेट ने बताया कि मीना तनेजा, जो कि महिलाओं का गैरकानूनी ढंग से अल्ट्रासाउंड करती थी, उसे निचली कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जो आज सेशन कोर्ट ने बरकरार रखी है। मामला ऐसा है, डॉक्टर मीना तनेजा जो भादुरगढ़ में अपना मीना तनेजा अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम से एक क्लिनिक चलाती थी, जिसपे सीएमओ जज्जर की टीम ने इसकी रेड डाली और इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन पाई, जिसमें एक्ट PCPNDT एक्ट की काफ़ी कमियां पाई, उसको इस मामले में उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली लोअर कोर्ट में और उसके खिलाफ FIR भी हुई, जिसमें लोअर कोर्ट का फैसला SDGM श्री प्रदीप चौधरी जी ने 1/5/2017 को इसको 3 साल की सजा सुनाई PCPNDT MTP एक्ट के अंदर। उसी बारे में इसने अपील यहाँ माननीय ADJ साहब श्री लालचंद जी कोर्ट में आज फैसला सुनाया। उस फैसले को ठीक मानते हुए मीना तनेजा को 3 साल की सजा ऐसे की ऐसे रखी गई, जिसको आज कस्टडी में ले गई, जेल में भेज दिया गया। जैसे कि आज सेशन कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा है, अब यह फैसला उन डॉक्टरों के लिए एक सबक होगा जो कि PCPNDT के नियमों का उल्लंघन करते हैं और गैरकानूनी ढंग से MTP करते हैं। झज्जर से अखिल चौधरी के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।